एप्लीकेशन किस बुनियाद पर रिजेक्ट किए कि हम उनको बी क्लास में नहीं रखेंगे। मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूं, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपके इन हथकंडों से डर जाऊंगी और हम लोग टूट जाएंगे, मेरी बेटियां और मैं, हम बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हमने पिक्चर भी इसीलिए पोस्ट की कि वी आर पॉजिटिव और हम लड़ेंगे केस, और मुझे पूरी उम्मीद है आज अल्लाह के घर से और अपने वकीलों से उसके बाद कि आज फवाद चौधरी साहब को मैं और उनकी बेटियां उनको घर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्वेश्चन, फवाद चौधरी साहब ने कोई तशद्दुद का बताया आपको, उन पे कोई तशद्दुद किया गया जेल में या ऐसा कोई? देखें, इस वक्त ना उनसे सिर्फ मैं इस तरह की बात कर नहीं सकती हूँ कि ऑलरेडी एक बंदा दुख में है, इमोशनल है, बेटियों से मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि मैं उनसे मुनासिब समझूं कि मैं उनसे क्वेश्चन करूं, क्योंकि एक ऑलरेडी बंदा टूटा हुआ है, आपने उसको सी क्लास में रखा हुआ है कैदियों की तरह, दहशतगर्दों की तरह, चक्की की जगह पे, इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है? ये आप मुझे बताएं। तो लाइटर नोट पे बात हुई है, एंड आई वांट टू स्टे पॉजिटिव एंड स्ट्रांग विद इन फ्रंट ऑफ हिम। मैडम, जो आपकी मुलाकात करवाई गई थी, क्या वो सुप्रीटेंडेंट के कमरे में मुलाकात हुई थी या जंगले के अंदर से आपने मुलाकात? नहीं, वो कमरा ऊपर चढ़ के ही था जेल के अंदर से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे मुलाकात होती है, लेकिन जो उसका रास्ता और हमारी स्टैंप्स आपको गवाही देती हैं, जिस तरह 2 और 4 साल की बच्ची के हाथ पे सेंट्रल जेल की स्टैंप लगाई गई, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज यू आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन कि आपका बाप एक मुजरिम है और आपको उनको मिलने के लिए आपके हाथों पे स्टैंप लगेगी। मैंने उनको कहा कि बच्चों के ना लगाएं, लेकिन एज पर रूल्स दे हैव टू गो, रूल्स वहां आ जाते हैं, लेकिन जब आपने फवाद साहब को बी क्लास देनी है तो वहां पे रूल्स नहीं आते आपके। मैडम, उनकी मुलाकात में आपको क्या लगा कि वो अभी भी अपने स्टांस पर कायम हैं? स्टांस का तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं। नो नो, दे वर वेरी कोऑपरेटिव विद मी। मैं शुक्रगुजार हूँ एसपी सुपरिंटेंडेंट का, जिन्हें उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि आपके लिए वक्त हमने निकाल दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि कहाँ से किसने वो हमें बुलाया है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया बिल्कुल नहीं अदा करूंगा स्टेट का जिस तरह का रवैया उनसे अख्तियार किया जा रहा है। मेरा ये राइट है कि मैं और मेरे बच्चे उनसे मिलें, तो इसमें शुक्रिया और स्टेट का कोई एहसान नहीं है हम पे, ये उनका हमारा राइट है जो हमें बिट्रे किया गया और हमें नहीं दिया गया 8 दिन। और एक बात और, फवाद साहब से ये जरूर क्वेश्चन मैंने किया था कि आप 8 दिन जब जेल में रहे फोन के बगैर और सोशल मीडिया के बगैर, तो आपको कैसा लगा? तो उन्होंने बहुत कहका लगाया इस बात के ऊपर। थैंक यू फवाद, तेरे जान निसार। बेशुमार, बेशुमार, तेरे जान निसार।